उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में इस घर को देखिए। पूरे घर में मौत के बाद की खामोशी है। एक महिला रो रही है। इस घर में सन्नाटा इसलिए है क्योंकि घर वाले बेटी प्रिया का अंतिम संस्कार करने गए हैं। 22 साल की प्रिया, जिसके साथ 18 सितंबर 2013 में गैंगरेप हुआ था, वो प्रिया जिसके गैंगरेप के मामले में 21 फरवरी को सुनवाई होनी थी, लेकिन हाई कोर्ट में गैंगरेप केस की सुनवाई से पहले प्रिया का कत्ल हो जाता है। आरोप लगा है उत्तर प्रदेश के मौजूदा विधायक पर। नाम है अरुण वर्मा, सुल्तानपुर सदर से एसपी विधायक, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबी। 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा पाने वाली धाराओं में आरोपी अरुण वर्मा का रसूख समझना है तो ये तस्वीरें देखिए। सुल्तानपुर में अपनी चुनावी रैलियों का आगाज करने जब अखिलेश पहुंचे थे तो मंच पर सबसे करीब खड़े थे वही अरुण वर्मा, जिन पर पहले गैंगरेप और अब पीड़ित के कत्ल का मामला दर्ज हुआ। ऐसे अपने दागी विधायक के सामने अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने का दम भर रहे थे, लेकिन अब अखिलेश यादव के उसी दागी विधायक के खिलाफ जब कत्ल का मामला भी दर्ज हो जाता है तो मुख्यमंत्री बिना जांच उसके निर्दोष होने का सर्टिफिकेट देने लगते हैं। आरोपी विधायक इसी दम पर सारे मामले को राजनीतिक साजिश करार देकर हाथ झाड़ लेते हैं। ऐसा दर्द यूपी में हजारों लोगों का है, क्योंकि गुंडों को राजनेता बनाने की राजनीति एक फैशन। अभी सिर्फ समाजवादी पार्टी की ही बात कर ले तो पहले 3 चरण में समाजवादी पार्टी के 30% कैंडिडेट दागी हैं। पहले 3 चरण में समाजवादी पार्टी के 161 उम्मीदवारों में से 49 पर आपराधिक केस है। अखिलेश यादव के 39 उम्मीदवार 3 चरण में ऐसे हैं जिन पर गंभीर, जी हां गंभीर क्रिमिनल केस है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि उत्तर प्रदेश बलात्कार के मामलों में देश में दूसरे नंबर का राज्य है। उत्तर प्रदेश गैंगरेप के मामलों में देश का सबसे ज्यादा कुख्यात राज्य है। थानों में गैंगरेप के मामलों में यूपी देश का नंबर 1 राज्य है। इसीलिए पहले गैंगरेप का दर्द सहने वाली और फिर मार दी गई प्रिया के पिता वो सवाल पूछते हैं जिसे सुनकर कोई भी नेता शायद आईना भी ना देख पाए। ऐसे लोग को चुनाव क्या मतलब, समाज में खड़े होने का कोई मतलब ही नहीं होता है, लेकिन सरकार उन्हीं को मतलब टिकट देती है और उन्हीं से मतलब चुनाव कराती है।